भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा पूरे प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर मंडी रोहार में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। 1924 में जन्मे वाजपेयी ने बीजेपी के जन्म से लेकर उसे अपने दम पर केंद्र की सत्ता में पहुँचने का दौर देखा। 3 बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे वाजपेयी को मृदुभाषी लेकिन बाचाल माना जाता रहा। उनके भाषण की खास शैली थी जो लोगों को मोरित बनाती थी। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंडी द्वारा जोनल अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंडी द्वारा जोनल अस्पताल में आयोजित इस रक्तदान शिविर में बल विधायक इंदर सिंह गांधी विशेष रूप से उपस्थित रहे और पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडी जिला के द्वारा आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी आज जयंती के उपलक्ष्य के ऊपर किया गया। ऐसे सेवा कार्य भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज मंडी जिला में, हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश भर में किए जा रहे हैं, क्योंकि आज एक ऐसे महान व्यक्ति जो हमारे देश के पूर्व के प्रधानमंत्री रहे, एक ऐसा नेता रहे जो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध नेता थे, पूरे विश्व में एक विख्यात नेता थे, उनके विचारों को पूरा विश्व मानता था, एक ऐसी महान व्यक्ति की आज जयंती यहाँ पे मंडी जोनल हॉस्पिटल में बनाई जा रही है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया है। लगभग 40 के कार्यकर्ता यहाँ पे रक्तदान शिविर में रक्त देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आज इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे और सेवक जी अपने जीवन का निछावर कर दिया। हम उनको स्मरण करते हुए हम आप सबके शब्दों को नमन करते हैं, उनको सदा भी अर्पण करते हैं। साथियों, आज पार्टी की तस्वीर इस बात को नहीं कह जा रहे, हम समाज की तस्वीर इस बात को कह जा रहे। जो उनका समाज के प्रति योगदान था उनके लिए स्मरण नहीं, हम बार बार पार्टी को भी धारते हैं, लेकिन सबसे पहले समाज है, समाज के बाद पार्टी है, चाहे वो किसी दल के आदमी हो। लेकिन जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने करके दिखाया कि समाज में आज सारा जो देश है, प्रदेश है, उस चीज़ को याद करता है कि वो लोकसभा में 4 बार सांसद है। उन्होंने जो समाज के लिए, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे वो अन्य दल थे, उन्होंने किसी समानता के अधिकार से कोई चिंता कसी नहीं की। लेकिन आज हम उसके याद करते हैं, उस व्यक्ति ने इसे देख के जो किया है, हम उसको भी याद करते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम रक्तदान के शिविर में उनको सदा अर्पित कर रहे हैं और हम सदा के सुमन अर्पित हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आप सभी जो आज योगदान कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के प्रति जो आपकी सदा थी भावना थी या प्यासा, हम उस चीज को भी याद करते हैं कि आज रक्तदान किया जा रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला मंडी द्वारा जो रक्तदान शिविर था वो दोनों मंडी में किया गया, और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सदा सुमन करते हुए उनके नाम पर आज युवाओं ने जो रक्तदान किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो रक्तदान आज उनके नाम से किया जा रहा है, उन व्यक्तियों को जो बीमार रहते हैं या स्वस्थ रहते हैं, उनको उनकी उम्र के लिए आगे बढ़े, उनके लिए हम खत्म करते हैं। आपको बता दें कि एक कवि, पत्रकार, संघ के कार्यकर्ता के तौर पर लगातार विजय पथ पर बढ़ रहे वाजपेयी पहली बार 1957 के लोकसभा चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे। वे 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात से सांसद रहे। उन्होंने साल 1991 से अपने आखिरी चुनाव तक यानी 2004 तक लखनऊ लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया।